की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, और ई थीटा एच वाई की वैल्यू पुट कर दो, और तो हमारा जो एवरेज पावर आ जाएगी वो क्या आएगी, 1/2। जब ई आर और एच वाई की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, मल्टीप्लाई करो जो कंपोनेंट हमने लास्ट पेज लास्ट स्लाइड में लिखे थे, ये जो कंपोनेंट है ई आर और एच वाई करोगे मल्टीप्लाई, क्या आएगा, जे आई स्क्वेयर एल स्क्वेयर 2 पाई के और इधर से 4 पाई, तो ये हो जाएगा 8 पाई स्क्वेयर के आर 5 जो भी आएगा, है ना, मल्टीप्लाई कर लोगे ना। यस सर। तो मैं यहाँ पे सीधा रिजल्ट लिख दूं, यस सर, के ईटा अपॉन के आई नोट एल डिवाइडेड बाय 4 पाई इसका स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन आर की पावर 5, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे इन डायरेक्शन ए आर विद नेगेटिव साइन, माइनस ए आर था ना, ये माइनस ए आर नहीं, सॉरी ए थीटा, एक मिनट को, साइन थीटा ए आई नोट जे ईटा आई के आई नोट एल अपॉन 4 पाई। अच्छा हाँ, ये इस वाले कंपोनेंट की मल्टीप्लीकेशन लिखती है मैंने पहले, ठीक है, ए आर डायरेक्शन में, और प्लस ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, प्लस जे ईटा नोट आई नोट एल अपॉन 8 पाई स्क्वेयर आई नोट एल का स्क्वेयर हो जाएगा, इसके डिवाइड बाय के भी रहेगा, और इधर से साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर की पावर 5 ए थीटा, ठीक है। yes. तो ये कंपोनेंट आ गए हमारे। अब ये देखो, ये दोनों के दोनों क्या है, इमेजिनरी कंपोनेंट है, ठीक है। yes. तो यहां से क्या हम कंक्लूजन निकालेंगे, द पॉइंटिंग वेक्टर W क्या था हमारा, पॉइंटिंग वेक्टर था, द पॉइंटिंग वेक्टर फॉर इनफाइनाइटेसिमल डाइपोल नियर फील्ड रीजन की बात हो रही है, नियर फील्ड रीजन इज प्योरली इमेजिनरी, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी एनर्जी है हमारी नियर फील्ड में वो क्या है, हमारी रिएक्टिव एनर्जी है, ठीक है। हमने बताया था ना आपको, पावर कैलकुलेट करते हैं जो रियल पावर आती है वो रेडिएशन पावर के इक्वल रखेंगे, ठीक है, और जो रियल जो इमेजिनरी पावर आ रही है रिएक्टिव फील्ड के पावर होती है, वो रिएक्टिव पावर बोलते हैं उसको हम, इमेजिनरी, और इमेजिनरी है तो इसका मतलब क्या है, दिस इज कोरिस्पोंडिंग टू रिएक्टिव पावर। यही तो बताया था हमने नियर फील्ड फार फील्ड में, नियर फील्ड में मैंने बताया था कि रेडिएशन नहीं होता वहां पे, जो भी एनर्जी होती है वो हमारी स्टोर एनर्जी की फॉर्म में होती है, ठीक है, वो इस वजह से होती है कि ये दोनों, ये यहाँ पे हमारी जो टोटल पावर आ रही है वो इमेजिनरी पावर आ रही है, ठीक है। अब हम नियर, ये तो था रिएक्टिव नियर फील्ड, मैंने नियर फील्ड को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, कौन कौन से, एक रिएक्टिव नियर फील्ड था और एक रेडिएटिंग नियर फील्ड, है ना, yes, और फिर और तीसरा कौन सा रीजन था हमारा, फार फील्ड, ठीक है। तो रिएक्टिव नियर फील्ड के लिए कंपोनेंट कैलकुलेट कर लिया, अब हम कैलकुलेट करेंगे रेडिएटिंग नियर फील्ड के लिए, रेडिएटिंग नियर फील्ड उसमें क्या होगा, उसमें के आर जो हमने डिस्टेंस दिया था वो ग्रेटर देन 1 लेंगे, ठीक है, यानी क्लियर है, यस सर। तो रेडिएटिंग नियर फील्ड में क्या आएगा, अब हमारा के आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1,
और जब इसमें क्या होगा हमारा, कौन से कंपोनेंट आएंगे, आर स्क्वायर वाले, और ठीक है yes, तो ई आर बचेगा, ई थीटा बचेगा, एच फाई कंपोनेंट नहीं आ पाएगा हमारे पास, ठीक है ना? यस सर। उसी स्लाइड पे आ जाओ, पहली वाली स्लाइड पे, एच फाई की वैल्यू क्या थी, ठीक है ये थी, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सिर्फ ई आर कंपोनेंट होगा, ई थीटा कंपोनेंट होगा, क्लियर? यानी देखो ये वाला कंपोनेंट इससे मल्टीप्लाई हुआ था नियर फील्ड जब कैलकुलेट किया था, ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। अब रिएक्टिव नियर फील्ड रेडिएटिंग की बात हो रही है, तो इसका ये कंपोनेंट आ रहा है, ठीक है, इसका ये कंपोनेंट आ रहा है, एच फाई का कंपोनेंट नहीं आ रहा, नेग्लिजिबल हो जा रहा है वो, ठीक है। के आर इज ग्रेटर देन वन है, तो वापिस उसी स्लाइड पे आएंगे, एक मिनट रुको। हाँ, तो रेडिएटिंग नियर फील्ड, ये ई आर की वैल्यू आएगी, ये ई थीटा की वैल्यू आएगी, एच फाई हमारे पास नहीं होगा, ई आर की वैल्यू क्या आई आपकी, नहीं, एच पाई का भी कंपोनेंट आएगा ना, वन बाई फोर पाई आर वाला, जे वाला कंपोनेंट बच रहा है, जो एक कंपोनेंट बच रहा है ना उसमें भी, एक मिनट को देखो, सॉरी, एच पाई में ये जो कंपोनेंट है इससे मल्टीप्लाई होके ये जो कंपोनेंट बचेगा, यस सर, ये आपका आ जाएगा किसमें, रेडिएटिंग नियर फील्ड में, ये वाला जब मल्टीप्लाई हुआ था इसके साथ, वो हमने किसमें लिया था, रिएक्टिव नियर फील्ड, ठीक है। जब हम फार फील्ड कैलकुलेट करेंगे ना, तो हमारे पास ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये कंपोनेंट बचेगा फार फील्ड में, आएंगे अभी इसके बाद फार फील्ड में ही आएंगे, तो यहाँ से पावर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन वो जरूरत नहीं है इतनी, बस तुम्हें समझाने के लिए मैंने बता दिया। रिएक्टिव नियर फील्ड के लिए कंडीशन के आर इज वेरी वेरी लेस देन वन, ठीक है, और उसके लिए क्या होगी हमारी कंडीशन, रेडिएटिंग नियर फील्ड के लिए के आर इज ग्रेटर देन वन। अब फार फील्ड पे आ जाते हैं हम सीधा, ठीक है, ये यहाँ पे इसने ये निकाल के दिखाई है पॉइंटिंग वेक्टर इसके लिए, ठीक है, अच्छा ये तो प्योरली इमेजिनरी, हाँ ये तो रेडिएटिंग नियर फील्ड, रेडिएटिंग नियर फील्ड में ये कंपोनेंट आ गए हमारे, ER, E theta और H phi, इसके लिए हमने कंडीशन क्या ली, KR is greater than one, ठीक है? Yes sir. अब next, far field region के लिए मैंने क्या बताया था कि हमारा जो R होगा वो very very greater than होगा, R is very very far, यानी 1 by K R की जो power होगी, अगर R जितना बड़ा होगा ये वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा हमारा, के आर जो आएगा वो वेरी वेरी ग्रेटर देन वन आएगा फार फील्ड के लिए, ठीक है, तो वन बाई आर वाली टर्म्स आएंगी बस उसमें, जिसमें वन बाई आर की सिंगल पावर, ठीक है, क्योंकि अगर के आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन वन है, तो के आर स्क्वेयर, के आर क्यूब, यानी आर की पावर क्यूब स्क्वेयर, जितनी बड़ी आर की पावर होती जाएगी, जो हमारी 1 बाय आर वाली टर्म्स है वो उतनी स्मॉल होती जाएगी, है ना, तो उनको हम नेगलेक्ट कर लेंगे, तो सिर्फ हमारे पास क्या होगा, 1 बाय आर वाली टर्म्स डोमिनेंट होंगी, तो जब वो डोमिनेंट होंगी तो उस कंडीशन में ई थीटा कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारा, सिर्फ 1 बाय आर वाला, ई आर हमारा जीरो हो जाएगा, ई फाई भी जीरो हो जाएगा, एच आर जीरो, एच फाई जीरो, सॉरी एच थीटा जीरो, सिर्फ एच फाई का कंपोनेंट बचेगा एक, यस सर, ठीक है, लेकिन अब यहां पे देखो, एक मिनट रुको, ये क्या हो रहा है, ठीक है,
Yes, sir. क्लियर? यस सर. तो ई थीटा और एच फाई कंपोनेंट हमारे पास प्रेजेंट है फार फील्ड रीजन में. ठीक है? यस सर. सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया था क्या लास्ट टाइम कि सिर्फ ई आर प्रेजेंट होगा? शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है मैंने बोला था, ये वो गलत हो गया है, वो गलती से हमने बोल. ठीक है, हमारे पास सिर्फ ई थीटा और एच फाई प्रेजेंट होगा. ई आर जीरो हो जाएगा, ई फाई जीरो हो जाएगा, एच आर जीरो हो जाएगा, एच फाई जीरो हो जाएगा. ठीक है, क्या हुआ? एच थीटा सर. हाँ सॉरी, एच थीटा. एच फाई तो प्रेजेंट है. यस सर. एच थीटा. ठीक है, अब इससे ये दो रिजल्ट निकल के आए, ई थीटा और एच फाई. इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा पर आपका फार फील्ड में? सबसे पहला कंक्लूजन तो ये आएगा कि फार फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ आर है. ठीक है, सबसे पहले तो हमने जो बताया था आपको कि भैया फार फील्ड में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ आर होगा, और यहाँ पे क्या है, हमारा रेडियल कंपोनेंट जीरो है. रेडियल कंपोनेंट ऑफ फील्ड जीरो. ठीक है? यस सर. दो पॉइंट हो गए, नोट कर लो इन दोनों को, कि रेडियल कंपोनेंट इज जीरो इन फार फील्ड रीजन, ओनली ई थीटा एंड एच फाई प्रेजेंट, और फार फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर. अब ये देखो, ई थीटा और एच फाई क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. यस सर. है ना, थीटा और फाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होंगी. तो बेसिकली जो हमारी वेव है वो टीई एम वेव्स है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो ट्रेवल हो रही है फार फील्ड रीजन में. ठीक है, अब यहां पे आप कैलकुलेट करके देखो, यहां पे आप कैलकुलेट करके देखो. हाँ, अगर हम ई थीटा और एच फाई को जब डिवाइड करेंगे, ई थीटा और एच फाई कंपोनेंट डिवाइड करो तो आपके पास क्या आएगा, ईटा. ठीक है, ईटा क्या है, इंट्रेंसिक इंपीडेंस ऑफ मीडियम. और मीडियम क्या है यहाँ पे, फ्री स्पेस. फ्री स्पेस के लिए हम क्या यूज करते हैं नोटेशन, ईटा नॉट. ठीक है? यस सर. क्लियर है? यस सर. अब इसमें टोटल पावर कैलकुलेट करो. अब यहां पे टोटल पावर कैलकुलेट करनी पड़ेगी हमें फार फील्ड रीजन के लिए. देखो, ई थीटा और एच फाई आ गया हमारे पास. ठीक है, अब इसमें फार फील्ड की पावर कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगी, पावर क्या बताई थी, 1/2 ई क्रॉस एच. है ना? अरे पावर का वही एक्सप्रेशन जो हमने पीछे कैलकुलेट किया था, टोटल पावर 1/2 ई क्रॉस एच है. ठीक है, और टोटल पावर कैलकुलेट करनी है तो ये जो एवरेज पावर आई है इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया. है ना? यस सर. ठीक है, तो ये पावर क्या आ जाएगी मेरी जब लिखोगे आप. अच्छा, इसमें यहाँ पे मैंने सोल्व नहीं करा हुआ, एक नेक्स्ट स्लाइड डाल देता हूं मैं इसमें. अब यहाँ पे देखो, हमारा पावर का एक्सप्रेशन क्या आया था, एवरेज पावर का, एक मिनट, एवरेज पावर, या इसको मैंने W एवरेज से डिफाइन किया था, 1/2. हैंग हो रहा है बीच में, रुको एक मिनट. वन बाय टू रियल पार्ट ऑफ ई क्रॉस एच, यही था. और इसको हमने एक्सप्रेशन को सोल्व करके लिखा था, 1/2 ई आर ए आर आ रहा था हमारे पास, प्लस ई थीटा ए थीटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एच फाई के साथ ए फाई. ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन क्या आया था हमारा, वहां से निकल के ई आर
एच फाई माइनस ए थीटा प्लस ई थीटा एच फाई इन डायरेक्शन ए आर. अब यहाँ पे ये कंपोनेंट जीरो हो जाएगा. यस सर. क्यों? क्योंकि ई आर की वैल्यू जीरो है. सिर्फ ये बचेगा. अब बताओ ये मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे क्या बचेगा. यहाँ पे क्या आएगा? ई थीटा और एच फाई को मल्टीप्लाई कर दो. वन बाय टू मल्टीप्लाई कर लो ई थीटा और एच फाई. जो वैल्यू आ रही थी हमारी, जो हमने पिछली स्लाइड में लिखी थी, ये वैल्यू, इनको मल्टीप्लाई करो. मल्टीप्लाई करो जल्दी से फटाफट. के आई नोट एल का स्क्वायर फोर सिक्स पाई आर, इन सब का स्क्वायर कुछ करके आ जाएगा. लिख लिखो जल्दी से लिखो, मैं फाइनल लिखूंगा फिर. जे स्क्वायर ईटा के आई स्क्वायर एल स्क्वायर. एक मिनट रुको, बताओ मुझे क्या आया. जे जे स्क्वायर. हाँ. के के ईटा है ईटा सर ईटा ईटा आई नॉट एल अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर. आर स्क्वायर है ना या आर है? आर है सर. इसका स्क्वायर होगा. यस सर. आगे साइन स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर थीटा. आगे कुछ है? नहीं सर. बस सर e to the power of minus 2 j k r हो जाएगा. नहीं बेटा, वो कंजुगेट करोगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा. यस सर. ठीक है ना, ये यहाँ पे कंजुगेट है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा. एक पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा, कंजुगेट में वो कैंसिल आउट हो जाएंगे. ठीक है. यस सर. हाँ, तो सिर्फ यही कंपोनेंट बचेगा आपके पास. तो ये आपका, इसको सोल्व करोगे तो k की वैल्यू आपकी क्या बताई थी मैंने, 2 पाई बाय लैम्डा होती है. ठीक है, ये सारे एक्सप्रेशन यहाँ पे पुट कर लेना. अब टोटल पावर कैलकुलेट कर लेना. अब टोटल पावर क्या होगी हमारी? टोटल पावर हमारी आएगी, हेलो सर. सर के लीव कर दे. हेलो. पता नहीं. स्टार्टिंग से लिए गुरविंद क्लास तुमने? नोट्स हैं तेरे पास? सर ने पढ़ाए हैं, बस वैसे ही लिखे हैं, मैं नोट्स नहीं बनाया हूँ. सेंड कर देगा.
वो बीच में है यार, डिस्कनेक्ट हो गया था गुरविंद, ये मुझे ही पता नहीं चला कब डिस्कनेक्ट हुआ। तो एक मिनट रुको, गुरविंदर सर कहाँ तक स्लाइड शो हुई थी, कहाँ तक हमने एक्सप्लेन किया था उसको? सर टोटल पावर, ये जो टोटल पावर हमने कैलकुलेट की थी पी एवरेज डॉट डीएस, ये समझ आ गई थी आपको? नहीं सर, यही बता रहे थे तभी डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा ठीक है, ये एक्सप्रेशन तो समझ आ गया होगा कहाँ से आया। यस सर वो तो आ गया था। तो यहाँ पे k की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा पुट करेंगे, ठीक है, और सॉल्व करेंगे, और p एवरेज टोटल पावर क्या होगी, जो एवरेज पावर आई है उसका सरफेस इंटीग्रेशन। अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ds क्या होता है हमारा, r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा d फाई इन r डायरेक्शन, इन रेडियल डायरेक्शन r, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 0 से 2 पाई, 0 से पाई p एवरेज ds की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे r square sin theta d theta d phi, और इसको जब सोल्व करेंगे इस पूरे इंटीग्रेशन को हम, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरी, क्लियर है? ओके सर, ठीक है। अब हमने आपको बताया था तो जो टोटल पावर आई थी मेरी यहाँ पे वो रेडिएटेड पावर है, ठीक है? यस सर, रेडिएटेड पावर ईटा पाई थ्री आई नोट एल बाई लैम्डा इसका स्क्वायर, वाट में यूनिट होगी इसकी, ठीक है। और ये हमारी क्या है, रेडिएटिंग पावर, जो हमने नियर फील्ड में कैलकुलेट की थी वो रिएक्टिव पावर थी, ठीक है। अब हमें पता है, मैंने जब आपको इनपुट इंपीडेंस बताया था एंटीना का, तो एक बताया था रेडिएशन रेजिस्टेंस बताया था एक टर्म, है ना? हाँ, तो जो टोटल रेडिएशन पावर आ रही है ये, वो किसके इक्विवेलेंट होगी, 1 by 2 I naught का square into radiation resistance, ये term हमने वहाँ पे define की थी। Yes sir। तो ये power जो होगी, ये total radiated power के equal होगी। Yes sir। तो यहाँ से हम radiation resistance की value calculate करेंगे। ये value put किया, I naught से I naught cancel out हो गया, और 2 eta pi by 3 L by lambda का square, ये मेरा radiation resistance हो गया, ठीक है। okay, और ईटा की वैल्यू फ्री स्पेस के लिए क्या होती है, 120 पाई, जब ये हम रखेंगे तो यहां से मेरा रेडिएशन रेजिस्टेंस क्या आएगी वैल्यू निकल के, 80 पाई स्क्वायर एल बाय लैम्डा इसका होल स्क्वायर, ये हमारा रेडिएशन रेजिस्टेंस आएगा फॉर इनफाइनाइटेसिमल डाइपोल, ठीक है। okay, sir। हाँ, तो यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है? नो सर, क्लियर है। इतना ही हुआ था हमारा लास्ट क्लास में, ठीक है? ओके सर। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेना। अब आगे चलते हैं। अच्छा, मैंने अब आपको एक रेडिएशन इंटेंसिटी एक टर्म बताई थी पहले, आपको याद है तो, रेडिएशन इंटेंसिटी डिफाइन की थी हमने। अब हम कैलकुलेट करेंगे रेडिएशन इंटेंसिटी एंड डायरेक्टिविटी। हमने रेडिएशन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, रेडिएशन इंटेंसिटी एंड डायरेक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइटेसिमल डाइपोल। वैसे ये टॉपिक मुझे रिपीट करना पड़ेगा, आज कितने हैं, अभी दो ही लोग हो ना तुम? तो सर टाइम हो गया है सर, बाद में पढ़ा दीजिएगा। टाइम हो गया है आज सर, 11:30 बजने वाले हैं, 11:15 हो गए सर।